In last lecture, we talked about Newton's second law and momentum. In this lecture, we will talk about the Newton's third law of motion, and in coming lecture, the last topic after Newton's third law of motion is conservation of momentum. So, this is the second last topic of the chapter forces and law of motion. So, let's start Newton's third law of motion. As you see, I have already written the definition here. You can write it down. The definition is: in an interaction between two bodies, the force applied by the two body on each other are equal and opposite. तो ये तो definition रहा आपका third law का. अब इसका मतलब समझिए. Third law क्या कहता है कि अगर मैंने किसी body पे force लगाया तो वो body भी equal but in opposite direction में हम पे force लगाएगा. For example, अगर मैं इस पे hit करता हूँ, suppose 10 newton से hit करता हूँ, तो मेरे hand पे भी ये board 10 न्यूटन से एक फोर्स लगाएगा. तो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो इस बोर्ड ने मेरे हाथों पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया. तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो यही कहता है कि हम कहीं कोई भी बॉडी हो, आइदर लिविंग नॉन लिविंग, आइदर इन रेस्ट और मोशन, अगर जितना फोर्स हम उस पर लगाएंगे बदले में वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा. इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे रियल लाइफ में भी है. जैसे गन, अगर गन से एनसीईआरटी में एग्जांपल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गन से आप फायर करते हैं तो गन से जब बुलेट निकल के जाती है तो बदले में गन भी जोर से उतनी ही फोर्स से पीछे की तरफ आता है. इसलिए आप देखते होंगे कि जो गन फायर करते हैं वो बिल्कुल ऐसे गन को नहीं पकड़ते. क्यों? क्योंकि ऐसे पकड़ने में क्या होगा कि तेज़ी से हिट करेगा, सर पे इंजरी हो सकती है. इसलिए वो कंधे से चिपका के, जो ट्रेंड गनरमैन होते हैं वो कंधे से चिपका के तब गन को हिट करते हैं ताकि वो फोर्स उन पर उतना तेज़ी से ना लग सके. एक और एग्जाम्पल है, जब आप बोट से, है ना, ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशनड है, जब आप बोट नाव से उतरते हैं तो उस पर एक पैर जब नीचे की तरफ लगाते हैं आगे जाते हैं तो बदले में वो बोट भी पीछे की तरफ जाता है. तो ये रहा न्यूटन थर्ड लॉ का डिफिनीशन, है ना, एक्सप्लेनेशन कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है ना. जैसे इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएं तो बदले में ये बॉडी भी अगर कोई, है ना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बदले में ये भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, जहाँ पे एक्चुअल कन्फ्यूजन, इतना तो हर कोई को पता होता है सिंपली, लेकिन जहाँ एक्चुअल कन्फ्यूजन होता है, जैसे मान लीजिए ये एक कार्ट है ना, और इस कार्ट को सपोज कर लीजिए जो भी है, एक उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ, मतलब मान लीजिए कि एक हॉर्स है ना, हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है. तो अब हॉर्स और कार्ट, तो हॉर्स इस कार्ट पे जितना फोर्स लगा रहा है ना, अब हॉर्स क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए इस कार्ट पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, है ना, ये हॉर्स जो कार्ट को आगे की तरफ खींचेगा. तो कार्ट पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, मान लीजिए एक एफ फोर्स इस हॉर्स ने इस कार्ट पे लगाया है, तो बदले में ये कार्ट भी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये कार्ट भी हॉर्स पे पीछे की तरफ उतना ही बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. एक बार फिर से सुनिए, ये एक हॉर्स है जिसने इस कार्ट पे एफ फोर्स लगाया, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कार्ट भी इस हॉर्स पे इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा. तो अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि जब इसने इस पे एफ फोर्स लगाया और बदले में ये भी इस पे एफ फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मूव कैसे किया. क्यों? क्योंकि जब दो बॉडी पे फोर्स लगेगा, एक फोर्स आगे की तरफ और उतना ही फोर्स पीछे की तरफ, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा. मतलब 10 न्यूटन से मैं इसको आगे खींचूँ और 10 न्यूटन से पीछे खींचूँ तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा. तो यहाँ भी कुछ वैसा ही दिख रहा होता है. तो फिर आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर ये कार्ट मूव कैसे किया, है ना. या एक और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि जैसे एक कार है, ना, ग्राउंड पे एक कार पड़ा हुआ है. अब एक लड़का इस कार को 10 न्यूटन फोर्स से, या 100 न्यूटन ले लीजिए, 100 न्यूटन फोर्स से इस कार को धक्का देता है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये कार भी इस लड़के पे 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अगेन द क्वेश्चन इज सेम,
देन हाउ डज दिस कार मूव, है ना, ये कार कैसे मूव किया, जब 100 न्यूटन इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे भी फोर्स लगाया, तो मूव तो नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे अगर दोनों तरफ से मैं सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता हूँ तो ये मार्कर मूव नहीं करेगा, है ना, तो कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, दो अलग अलग बॉडी पे, कार 100 न्यूटन बॉय पे लगा रहा है और बॉय 100 न्यूटन कार पे लगा रहा है। ध्यान से फिर से मेरी बात सुनिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये देखिए, ये कोई बॉडी है एम मास का, तो इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा, इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। अगेन, तो ये नहीं मूव करने का कंडीशन क्या है, एक ही बॉडी पे जो फोर्स लगेगा इक्वल अपोजिट, मतलब सेम बॉडी है और इक्वल अपोजिट फोर्स करेगा तो क्या कहेंगे, नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, बॉडी ए पे लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और बॉडी बी पे इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, है ना, जो बी बॉडी है उस पे 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, इधर पे 10 न्यूटन, तो क्या यहाँ मोशन होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ मोशन होगा, क्यों, क्योंकि इस बॉडी पे तो फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसे में ये तो मूव करेगा, इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये मूव करेगा। तो यहाँ जो दोनों एग्जांपल है यहाँ यही है कि इसका आंसर जो होगा कि अगर कोई बॉडी मोशन नहीं करे, इसका कंडीशन क्या, एक ही बॉडी पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। यहाँ देखिए, हॉर्स पे जो फोर्स लग रहा है, ये एफ फोर्स हॉर्स पे लग रहा है और दूसरा एफ फोर्स कार्ट पे लग रहा है, तो ऐसे में तो मूव करेगा जैसा कि यहाँ हुआ। अगर सिर्फ हॉर्स पे ही दोनों तरफ से फोर्स लगता सेम अपोजिट डायरेक्शन में तो मूव नहीं करता। उसी तरह यहाँ भी 100 न्यूटन किस पे लग रहा है, ये 100 न्यूटन कार पे लग रहा है और ये 100 न्यूटन बॉय पे लग रहा है, मतलब जो इक्वल अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है वो दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इसलिए ये बॉडी मूव करेगा। अगर सेम बॉडी पे एक्ट करेगा इक्वल अपोजिट फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। तो ये रहा आपका न्यूटन थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन। आप एक बार एनसीईआरटी बुक को रीड कर लेना, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, है ना, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और आपके नाइन्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। तो ये अगले लेक्चर में मैं करता हूँ इसको, तब तक आप इसको नोट